ये है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद में जो बताया जाता है मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि ये फव्वारा है, वहीं पर दूसरी तरफ पक्ष की तरफ से ये बताया जा रहा था कि ये शिवलिंग है। अब भी जो है वहाँ पे एक वीडियो लीक हुई है जिसमें जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड कई निशानात जो है देखे जा सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर जो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का मुद्दा जैसे ही इस देश की मीडिया उठाती है, ठीक है, तभी मीडिया के पास में ये मैसेज आ जाता है और मीडिया चुप हो जाती है। और वो मैसेज होता है ये, सुनिएगा आप सभी लोग एक बार और, मैं आप सभी को सुना देता हूँ। ये इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही देश की मीडिया जो है उनका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सरकार से जो उनकी दलाली है वो खत्म हो जाती है ना, तो सही लाइन लेंथ पे आ जाती है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये पेटीएम वाला मैसेज सुनती है और वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के नाम का प्रोपोगंडा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग, आप तमाम मीडिया के लोग, जो आप लोगों के माध्यम से, मैं नेशनल चैनल को ये बात कह रहा हूँ, जो लोगों ने भगवान को इतना ऐसा बना दिया है कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि भगवान आपको ऐसी कहीं भी मिल जाएंगे? जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन करके आए थे। ये लोग जो इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। क्या इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के ही मसले बचे हैं और कोई मुद्दा नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं लाल किले की, आप बात करते हैं ताजमहल की, आप बात करते हैं कुतुब मीनार की, अरे भैया लाल किला तो 500 के नोट पे भी छपा हुआ है, वहां से भी मिटा देंगे क्या, ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। राकेश डकैत से जब सवाल पूछा गया था ज्ञानवापी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका जो चीज है उसे सौंप दिया जाए, तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस देश के अंदर स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहता हूं। आप जैसे पत्रकारों की तरह नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मैं इस देश में दंगा चाहता हूं। मेरे को सिर्फ इस देश में अमन, चैन और शांति चाहिए। ये देश के अंदर जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं लाल किले के, ताजमहल के, कुतुब मीनार के, अरे भैया इन लोगों ने इतना देश का माहौल खराब कर दिया है कि ये जो मैंने आपसे बात कही है ना, ये कभी भी ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर सकते हैं और लाल किले का नाम बदल के लिख देंगे लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री, ये भी कर सकते हैं कभी भी। वीडियो से तो साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? कि वो शिवलिंग ही है, कभी वहाँ पे मंदिर ही था। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए जनाब जाहिद शेख, मेरी बात को सुनिए, ठीक है। आप जिस तरीके का प्रोपोगंडा फैलाते हैं ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अपनी टीआरपी के लिए ये कहना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए, इनके कहने का मकसद ये है, इन जैसे पत्रकारों का सीधा खुलेआम कहता हूँ, इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना, ठीक है ना। आपको अगर वीडियोग्राफी के माध्यम से इतना ही पता चलता है और आपको इतना ही नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, तो जाके चार्जशीट लगाइए कोर्ट में। कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों को देखकर या आपकी नजर को देख के कोर्ट फैसला देगा कि वहां पर शिवलिंग है या फवारा है? जो आपको ज्यादा एक मिनट, आपने भी देखा ना वीडियो लीक हुआ है, आप एक बात मुझे बताइए, वीडियो लीक तो जब पेपर लीक होता है तब नहीं देखती आप? है आप आज देख रही हैं, आप कह रही हैं इस बात के लिए कि वहाँ पर शिवलिंग है, और अगर आप इतने ही दावे के साथ हम कह रहे हैं, जो साबित कर रहे हैं कि वो फव्वारा ही है। मैंने तो ये भी बात कही नहीं है, मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि क्या आप भगवान को इतना छोटा मानते हैं? क्या भगवान इतने छोटे हैं कि भगवान कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे? आपने धर्म का मजाक बना रखा है, आपने धर्म का मजाक बना रखा है। आप जैसे चंद पत्रकार इस देश के अंदर देश का स्वार्थ खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे, भगवान आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं दिख जाएंगे। भगवान को ढूंढने के लिए आपके पास आप कर्म होने चाहिए, भगवान के लिए आपके कर्म है इतने अच्छे। भगवान को ही तो ढूंढा जा रहा है। अरे भगवान को ढूंढने की जरूरत क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि पार्थ, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी अमर, मैं सुनिए मैं बताता हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी जन्मा नहीं, मैं अमर हूँ, पार्थ मैं ही सबसे पहले हूँ और मैं ही सबके बाद हूँ। मतलब ना तो मैं कभी जन्मा हूँ और ना ही कभी मेरा विनाश हुआ है, मैं अमर हूँ और मैं हमेशा सबके साथ हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि नर ही नारायण है। कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति, मैं
सुन लीजिए, मैं तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कश्मीर मोहित शर्मा भी जा रहे हैं, आप भी कश्मीर चलिए। हमारे कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित बैठे हैं, जिन्होंने पलायन करने तक की धमकी सरकार को दे दी है कि अगर हमारे को सुरक्षा नहीं दी गई तो हम पलायन करेंगे। आपने पूछा, चुप रहिए, पहले मेरे सवाल, पहले मुझे आप सवाल पूरा करने देंगे, पहले आप मुझे सवाल का जवाब पूरा करने देंगे, चिल्लाती रहेंगे आप 24 घंटे। एक बात आप मुझे बताइए, आपने ये तो पूछ लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फवारा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वहां मंदिर बन गया, कुतुब मीनार पे मंदिर बन गया, लाल किले पे मंदिर बन गया, ताजमहल पे मंदिर बन गया, मान लीजिए सब जगह मंदिर बन गया, मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदुओं की तो जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जाहिद शेख आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि वहां पर वो फवारा है या फिर शिवलिंग है, आप बता रहे थे ना कि वो शिवलिंग दिख रही है, जरूरत होगी नहीं होगी? होगी ना। तो आज हिंदू सुरक्षित है क्या इस देश के अंदर? हिंदू कभी कश्मीर में मर रहा है? कभी इस देश के अंदर हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं? सुरक्षित नहीं है, बाकी तो सुरक्षित है, बाकी सुरक्षित हैं? तो वो जो कश्मीर में बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आते? आंख से अंधे हैं आप, हैं? या फिर आपके भी अकाउंट में पेटीएम से कुछ चंदा आ गया है, आप आंख से अंधे हैं? अपनी आंख का जो सुरमा है, सुरमे को हटाइए और मौजूदा दौर में आइए और उस पर देखिए, ठीक है ना? वहां अक्षय कुमार की फिल्मों पर, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों पर मत जाइए। मिथुन चक्रवर्ती तो लापता हो गए, इसके तो गुमशुदा की तलाश के फोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ। अनुपम खैर जो दुर्दशा बता रहे थे, मेरे को तो रोना आ जाता है, मेरे को बड़ी तकलीफ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देख के। आज कहां मर गए? आज कौन से बिल में घुस गए? आज आओ ना, आज तो हकीकत में कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, इसलिए चुप हो। एक आतंकवादी से बदला लिया जाएगा। अच्छा, एक मिनट, भाजपा सरकार का सुन लीजिए, एक आतंकवादी से बदला लिया, जो इस देश के गद्दार है उस को जेल में डाला जाएगा, जो इस देश में आतंक फैला रहा है उससे बदला लिया जाएगा। अच्छा, तो डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है अभी? डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? सब पे कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, देश के गृह मंत्री तो तड़ीपार है, उन पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? वो कोर्ट का काम है ना, अरे फैसला करेंगे गृह मंत्री। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो वाला हिसाब हो गया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अब देश के तड़ीपार गृह मंत्री से हम उम्मीद लगाएं कि वो देश के लोगों का इंसाफ करेंगे। वाह, आप जैसे पत्रकार के लिए तो पेटीएम पे पैसा आना बनता है और आ भी रहा होगा आपके पास। क्या गजब का आप लोगों ने जवाब दिया इससे पहले? इससे पहले कोई भी, अभी तो एक आत्मिक भक्त मिल गया। अब वो भक्त मिल गया, बड़े ही गुस्से में था, बड़ी आक्रोश के साथ में, तो बोलने लग गया। मैंने उसको बोला कि मैंने क्या, जिस तरीके से मोदी जी रात को 8 बजे आते थे, कभी आके नोटबंदी कर गए, कभी इस देश में 8 बजे आके लॉकडाउन कर गए, तो बोले कि 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है। मैंने क्या, 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है? कह रहा हाँ, जब 8 की गुणा आप सत्ता से करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 56। और मोदी जी का सीना कितने इंच का है? 56 इंच का। देश की गरीब जनता भूख से मर रही है, उसका बेचारे का सीना देख रहे हैं, बिल्कुल पेट से चिपक पड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का। ये पहले फकीर हैं जिनका सीना 56 इंच का है, क्योंकि ये फकीर मशरूम खाता है, ये फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, इसलिए इसका सीना 56 इंच का है। और उसके बाद दूसरे नंबर का 56 इंच का सीना देश की गोदी मीडिया के पत्रकार का है, जो कल तक शिफ्ट में चला करते थे, ओला उबर और कैब बुक किया करते थे, आज वो ऑडी मर्सिडीज लैम्बोर्गिनी फरारी और जगुआर में चल रहे हैं। लेकिन इनके घर पर, सुन लीजिए, पूरे देश को पता है, नाम बताने की जरूरत नहीं, पत्रकार के पास, पूरे देश के पत्रकार, कह दिया, सुन लीजिए, मुझे पता है, पत्रकार आपके सामने बस कह दिया। अरे आपके कहने से बताऊंगा क्या, आपके कहने से नाम लूंगा? नहीं नहीं नहीं, आपके कहने से बताऊंगा, अगर नाम ले दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग तो बड़े खुश होंगे, पहले मुकदमे चल रहे हैं, हम क्यों लड़ेंगे? तो गलत, अरे हम क्यों लड़ेंगे? अरे हम झूठ बोल रहे हैं, डर लग रहा है। कौन कौन, अगर कोई भी मना कर दे, मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि सबको, जितने भी सोचिए बैठते हैं, जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया जाता है, किसी को धर्म गुरु बताया जाता है, सबको 5-5, 3-3 हज़ार रुपए मिलते हैं, मना करके दिखा दो कोई पत्रकार, किसको मिलते हैं? मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कितने देके जाते हैं मोदी के खिलाफ बोलने के? अरे आप कितने देके जाते हैं ये बता दीजिए, आपको, आप कितने देके जाते हैं? आपकी औकात है देने की? हैं? अरे आपकी औकात है देने की? आपको सत्ता पक्ष की तरफ से कितना पैसा मिलता है ये बताइए, आप बताए ना? अरे आप बताइए ना, आपने मेरे को बोला ना, तो आप बताइए, तो आप, आप कैसे बोल सकते हैं? आप किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको, आप लेते ही दलाली है, आपका काम है? मतलब देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहते हैं कि वो पैसा लेता है? आप अपना ईमानदारी से सवाल पूछे, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो पेटीएम पे पैसे भेजे गए,
तो आप आरोप लगा सकते हैं। अरे मैं लगाऊंगा, आप आरोप लगा सकते हैं बिल्कुल। आपसे सवाल नहीं किया जा सकता, अगर मैं गलत, आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। चिल्लाइए आराम से बात। अरे एक बात मुझे बताइए, सुनिए, ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, ये पेटीएम वाला पत्रकार है, आप लोगों के लिए नहीं, इन इतने पत्रकार में से पेटीएम वाला पत्रकार भी मिल गया, ये पेटीएम वाला पत्रकार है। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, पेटीएम वाले पत्रकारों की ना तभी समझ में आ जाता है, जैसे ही मोदी जी का नाम लिया इतने सारे माइक हैं, कोई भी नहीं तिलबिलाया, लेकिन पेटीएम वाला पत्रकार, मैं लड़ूंगा मोदी जी के लिए, मैं मोदी जी के लिए लड़ूंगा। पेटीएम वाले पत्रकार और पेटीएम वाले पत्रकार का कैमरामैन दोनों बिलबिला उठे, दोनों एक तरफ से आग उगल रहे हैं। अरे भैया पेटीएम वाले पत्रकार थोड़ा सा सबर, अगर अगर आप सबर रखो, अगर पत्रकार को ये कहते हैं कि आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि विपक्ष वाले आपको पैसे देते हैं मोदी के खिलाफ बोलने के लिए, तो आपको मिर्ची काहे लगता है? मेरे को मिर्ची क्यों लगेगी? सुन लीजिए, तो आप जितना चीख रहे हैं, तो सुन लीजिए, अगर मेरे को चीख रहे हैं ना, अगर मेरे को विपक्ष वाला दे रहा होता तो मेरे को समझ में भी आती, विपक्ष वाला तो देगा ही नहीं, विपक्ष वाला तो देता ही नहीं, और विपक्ष वाला क्यों देगा, हम तो किसी को देगा तो नहीं। बताएंगे थोड़ी, नहीं, नहीं। देगा तो आप बताएंगे थोड़ी, आप बताते तो अंदर अंदर बात होती होगी। अरे आप बताते, अच्छा देखा, पेटीएम वाले पत्रकार को पता है, पेटीएम वाले पत्रकार को सब पता है कि दलाली की बातें कहाँ होती है। पेटीएम वाला पत्रकार बोल रहा है कि अंदर ही अंदर अंदर है, तो दिखाइए अपनी बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट आप देख लीजिए सर, ये देख लीजिए बैंक स्टेटमेंट, ये बैंक स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने मेरा अकाउंट पहले, फिर भी मैं बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा दूं। मोहित शर्मा कश्मीर, ए, नहीं नहीं, एक कश्मीर गया अभी घूमने, कश्मीर चलेंगे अभी, आपको आप लोग दलाली मिली है कश्मीर के नाम पे, रुकिए थोड़ी देर, पहले बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए आप मेरी, और मैं पहले बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं चाहूंगा कि बैंक स्टेटमेंट दिखाएं पत्रकार, ठीक है ना, पहले मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ इनको, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये रही मेरी बैंक की स्टेटमेंट, मैं जो सबके सामने रख रहा हूँ, ऐसा तो ये देख लीजिए, ये है मेरी बैंक की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इसको नहीं बोलते, अरे सुन लीजिए, ये स्टेटमेंट थोड़ी बोलते हैं, ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्या बोलते हैं सुन लीजिए, ये पेटीएम है, ये आप तो बैलेंस दिखा रहे हैं, आप पेटीएम चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, अलग अलग अकाउंट चला रहे हैं, आप दिखा दीजिए, अरे पेटीएम वाले, मैं क्या, मैंने गलत थोड़ी बोला है, मैं तो ये कह रहा हूँ पेटीएम वाले पत्रकार दिखा दे, पेटीएम वाले दिखा दिए अपना अकाउंट, अकाउंट नंबर दिखा दीजिए, पेटीएम वाले पत्रकार दिखा दीजिए ना, अरे पेटीएम वाले पत्रकार दिखा दीजिए, आठ साल बेमिसाल पे क्या बोलेंगे, देखिए आठ साल बेमिसाल नहीं, आठ साल बदहाल है, ठीक है, आठ साल बेमिसाल रहे पेटीएम वाले पत्रकारों देश के लिए, में कुछ करने आठ साल प्रधानमंत्री को लोग हर चीज का विरोध करते हैं, इस चीज को आप मानते हैं, मेरी बात सुनिए, आप मानते हैं ना, अगर प्रधानमंत्री कोई देश के अंदर नीति लाए तो आप उसका विरोध करते हैं, चाहे मैं आप सभी सुन लीजिए या गलत हो, एक अनुरोध आप सभी पत्रकार से करूंगा, सवाल है, अगर प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसका अगर पर्सनल लाइफ हो, आप उसके ऊपर भी सवाल करते, अगर वो दाढ़ी बढ़ा ले तो भी आप लोगों को तकलीफ होती है, ठीक है, आपने सवाल मानते किया, आप सब, एक मिनट, आपने सवाल किया, हृदय कह रहा होगा, ये सच है, आप सारे पत्रकार आज चुप रहेंगे, यहाँ खड़े होकर, यहाँ खड़े होकर चेहरा दिखाकर, इनका चेहरा दिखाकर बोलता हूँ, अपना चेहरा दिखाइए, और अपना ये चेहरा दिखा के, पेटीएम वाला चेहरा, स्पेशल पेटीएम वाला चेहरा दिखाकर, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम ही चला लेते हैं, पेटीएम वाले पत्रकार जरा बताएं कि मोदी जी ने, मोदी जी ने 10 काम कौन से किए हैं, मोदी जी, एक मिनट चुप जाइए, मोदी जी ने 10 काम कौन से किए ये बता दीजिए, एक बात मुझे, राम मंदिर किसने बनाया, अरे आप जनता से पूछिए ना, अरे ये देखिए, ये पेटीएम वाले पत्रकार को ये नहीं पता, ये पेटीएम वाले पत्रकार को, जनता बताएगी आपको, आप उत्तर प्रदेश रहते हैं, जाइए आप उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे भाजपा दोबारा सरकार बनाई है ना, अच्छा जाए और वहाँ की जनता से पूछें कि भाजपा ने क्या काम किया है। हाँ तो आप ये बताइए ना, पेटीएम वाले पत्रकार मुझे 10 काम गिना दें, पेटीएम वाले पत्रकार गिनाएंगे बेमिसाल भारत के, बेमिसाल भारत के 10 काम, पेटीएम मानसिक दिवालियापन आपका घोषित है, पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम इस तरीके से, सर पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिना दें, मोहित शर्मा एक सवाल, नहीं नहीं नहीं, एक काम, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा, पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिना दें, मैं आज मोदी जी की तारीफ करूंगा, पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिनाएंगे, आज मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा, पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिनाए, पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिनाए, ठीक है, पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिनाए, क्या मोहित शर्मा बार बार गिना दीजिए 10 काम, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप जो मर्जी बोल सकते हैं, आप पेटीएम वाले तरीके से अक्षय कुमार, नहीं अक्षय कुमार पे भी जाएंगे, पहले 10 काम गिन लूं, ये कहते हैं ना, हमेशा इन लोगों ने ये छवि बना दी कि अगर मैं कहूंगा ना मोदी जी ने विकास किया है, तो भी ये लोग बोलते हैं आप मोदी जी की बुराई क्यों कर रहे हैं, मतलब विकास भी बोलो तो भी इनको बुराई नहीं, वही सवाल तो है, मैं ये कह रहा हूं, सवाल तो मेरा भी है, देखो देखो, अभी प्रधानमंत्री की तारीफ करी, अभी तारीफ करी प्रधानमंत्री की, पेटीएम वाला पत्रकार कैसे दहाड़ा, पेटीएम वाला पत्रकार 10 काम गिनाए, देश में लोगों को फायदा हुआ, सवाल है,
नॉर्मल सवाल। अरे नॉर्मल सवाल है कि आपको बुरा लग रहा है, मुझे पता है, मुझे पता है। अरे भैया बुरा किसको लग रहा है, किसके पास सवाल? मैं गिना दूं कि मोदी जी ने क्या क्या काम पूरे नहीं करे, मैं गिना दूं 10 काम। अब बोलिए ना, माइक आपके सामने, आप बोलिए। ये ऐसे ऐसे पत्रकार हैं पेटीएम वाले पत्रकार कि अगर इनसे बोल दूं ना कि एक सांस में 5 क्रांतिकारियों का नाम गिना दो या 10 क्रांतिकारियों का नाम गिना दो, गिना नहीं पाएगा आपका पेटीएम वाला पत्रकार, वरना गिनवा के दिखवा दूंगा। आप बड़े देशभक्त हैं। मैं तो गिनवा दूंगा, देशभक्त हो गए, गिनवाने से देशभक्त हो गए। भारत की पहली राजधानी क्या है? आप भी सर्टिफिकेट बांटते हैं, की पहली राजधानी क्या है? ये भी सर्टिफिकेट बांटते हैं, आप भी सर्टिफिकेट बांटते हैं, आप भी सर्टिफिकेट बांटते हैं। अगर किसी ने नाम बताया तो वो देशभक्त है, वरना क्या है? पेटीएम वाले पत्रकार को ये नहीं पता होगा कि भारत देश में रह रहा है भारत। चलिए ये बता दीजिए, सुन लीजिए, ये पेटीएम वाले पत्रकार ये बता दे मुझे कि भारत देश के तिरंगे के 3 रंग क्या क्या संकेत? मैं नहीं बताऊंगा, बता दें पेटीएम वाले संकेत। मैं नहीं बताऊंगा, पेटीएम वाले पत्रकार, ये पेटीएम वाला पत्रकार, ये पेटीएम वाले पत्रकार देश में पाकिस्तान का इसको पता होगा, पेटीएम वाले पत्रकार को पता होगा क्योंकि इनके प्रधानमंत्री बिरयानी खाने गए हैं। पेटीएम वाले पत्रकार के प्रधानमंत्री वो खाने गए हैं बिरयानी। पेटीएम वाला पत्रकार सब कुछ बताएगा आपको पाकिस्तान के बारे में। ये हिंदुस्तानी के भेष में, ये हिंदुस्तानी के भेष में, ये ऐसे भेष हैं, ये ऐसे पत्रकार हैं देश में जहर घोलते हैं। पेटीएम वाले पत्रकार को साइड करके बाकी पत्रकार जो है वो मुद्दों पे बात करें, पेटीएम वाले पत्रकार को साइड करके आप मुद्दे पे बात करें। नहीं नहीं आप सवाल करिए, पानी पिएंगे? नहीं नहीं आप सवाल, आपसे नहीं बोला सर, आप पेटीएम कराइए, आप सवाल। कश्मीर की बात कर रहे थे अमित शाह जी, कल फिर कश्मीर जा रहे हैं। देखिए देश के गृह मंत्री को जाना चाहिए कश्मीर, और कश्मीर जाके कश्मीर के हालत को लेकर जायजा लेना चाहिए क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कुछ जो पत्रकार हैं पेटीएम वाले पत्रकार, एक यहाँ भी खड़े हैं आपके बीच में, हमारे बीच में, ये पेटीएम वाले पत्रकार जो है ये पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो है जिस तरीके से कश्मीर की आज स्थिति खराब है, कश्मीर की स्थिति पर चर्चा नहीं कर रहे, बार बार ये कह रहे हैं भाई प्लीज मेरा फेस मत दिखाना, इतना डरते हैं क्योंकि इनके पास पेटीएम आना बंद हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जो कश्मीर की जो स्थिति है, कश्मीर के अंदर की स्थिति का सबसे बड़ा कारण ये है कि कश्मीर के अंदर, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि कश्मीर में कोई भी इंटरनेट के जो है वो साधन नहीं है। कभी भी वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाती है, इंटरनेट सेवा बदहाल कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। कश्मीर में एंटरटेनमेंट के कोई भी साधन नहीं है, हाँ। ना तो कश्मीर में सिनेमा हॉल है, ना कश्मीर में मॉल है, और ना कश्मीर के लोगों को अपने जीवन को जीने की आजादी है। चुप रहिए यार, ये देश की कौन सी सुरक्षा है? वहाँ सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, मॉल नहीं खुलेगा, पागल आदमी है क्या है ये? कैसा पत्रकार है पेटीएम वाला? सुरक्षा के लिए नेट नहीं होता, नेट नहीं होता, अरे नेट नहीं होता, नेट होता है। आप सुन लीजिए, दूसरी बात ये, ये मर्यादा, आप ये मुझे बताइए कि अगर कहीं पे, अगर कहीं पे सिनेमा हॉल खुलेगा, एक सिनेमा हॉल खुलेगा तो देश की सुरक्षा को खतरा है? सुन लीजिए, अगर कहीं पे, जिस तरीके से अक्षय कुमार ने कहा कि जो तक हमारे इतिहास में अभी तक पढ़ाया गया है वो सब गलत है, उनकी जो फिल्म आई है उसका वो प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरीके से? देखिए मैं आपको बता दूं, वो क्या बताएंगे हमारे देश के इतिहास के बारे में? वो जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि आम काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है? वो हमारे इतिहास, सुन लीजिए, वो इतिहास के बारे में बताएंगे जिनकी नागरिकता खुद की कनाडा की है, है? दो स्टेट की, वहाँ पर दो स्टेट की नागरिकता लिए बैठे हैं, दो सिटी की, ठीक है? तो वो बताएंगे कि हमारे देश का इतिहास सही है नहीं? चुप, एक मिनट चुप हो जाइए, चुप, एक मिनट। आप पेटीएम वाले पत्रकार, आप सवाल ना करें तो अच्छा है, आप पूरी वीडियो को खराब कर रहे हैं और लोगों के सवालों को खराब कर रहे हैं, आप मुंह बंद रखिए। हाँ बिल्कुल, आप धन्यवाद, धन्यवाद पेटीएम वाले पत्रकार का।